दोस्तों राज के किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही क्या कहते हैं उसको मशहूर डिश जो गोरखाली में बनती है, एकदम खाल वाला मुर्गा है ना, यानी कि साबुत मुर्गा जो एक बार खाए खाता रह जाए। और हमारे साथ है आज हमारे जो मेहमान है प्रिया थापा, जो है आज हमें बताएंगी कि वो गोरखाली स्टाइल में मुर्गा कैसे बनाते हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर नजारा है। बनाने चलते हैं। तू बहुत साथ देते ना उनके उल्टे कामों में, इन्हीं कामों में साथ दिया। ये दोस्तों हमने गर्म पानी साबुत मुर्गा गोरखाली स्टाइल में एक बार जो खाए खाता रह जाए। वेरी गुड, तो हो गया, छोड़ दे, चलो रे सफाई करो। आप देख पा रहे हैं यहाँ कैसे मजे से निकल रहा है पाल, इसे ज्यादा गर्म नहीं करते हैं, ज्यादा गर्म करने से इसका मांस निकल जाता है। अब दोस्तों हमने इसको अब थोड़ा भुनेंगे और भुना जब स्वाद आएगा ना, वाह, एक बार जो खाए खाता रह जाए बस। दोस्तों यही तो है राज के किचन की खास बात, भुनी भुनी सी खुशबू आएगी। हाँ, स्मोकी फ्लेवर कहते हैं ना, स्मोकी फ्लेवर नकली है ये, देखो असली है, है ना, चूल्हे की ये धुएं धुएं की जो आएगी ना खुशबू, आ हा, एक बार जब खाए खाद आ रहा है। तो बिना चापड़ है तो ऊपर, चापड़ है तो ऊपर, धीरे तू बैठ। चले दोस्तों अब हम बनाते हैं भुना हुआ मुर्गा, ये हमारा कट के रेडी हो चुका है। ओके, मैं बोलूंगी नहीं, खुद ही बोलना पड़ेगा। बहन जी ये क्या डाला आपने इसमें? तेल डाला भाई जी, तेल डाला। तुम तो ना गए हम दादो खाना बनाए, मम्मी के सामने क्या दे रहे? अच्छा बहुत टेस्टी, बहुत स्वाद, एक बार खा लो तो बार बार खाते रह जाओ, बहुत टेस्टी होता है। अजवा, अब ये क्या डाल रही है? अजवाइन। इससे क्या होता है? बास नहीं आती, जो चिकन के बास आती है ना वो अजवाइन डालने से नहीं आती। अच्छा अच्छा, अरे अंदर वापे को है ना।
मत मत हिलाना कैमरा। अरे करीब आ जा, करीब आ जा। कैमरामैन टापू में बैठ के खाने का मजा ही कुछ और है, और वहाँ पे नेपाली चिकन भी हमारा मौजूद है। नेपाली चिकन टापू में खाते हुए, टापू में नेपाली चिकन आप भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं।